हेलो, वेलकम टू आर्ट एडर्स। तो चलिए, आज के इस वीडियो में ना हम बहुत इंटरेस्टिंग डीआईवाई करने वाले हैं, तो बिना देर के वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने सीमेंट लिया है, इसको अच्छे से पानी के साथ मिक्स करके एक डो बनाना है, ठीक है। तो अगर आप चाहो तो आप यहाँ पे वॉल पुट्टी भी ले सकते हो, पीओपी मत लेना, बहुत जल्दी ड्राई हो जाती है पीओपी की डो, तो इसलिए वो मत लेना। तो अब यहाँ पे मेरे पास बबल रैप पड़ा हुआ था, तो उसका मैंने यूज़ किया है। इस पर इस डो को रख देना है। आजकल तो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो बबल रैप बहुत ज़्यादा आपको मिल जाएगा पैकिंग में, ठीक है। तो उसको आप संभाल के रख लो, उसका यूज़ कर लो। अब यहाँ पे रोलर पिन की हेल्प से मैं इसको बेल रही थी, लेकिन मैंने फिर हाथ से इसको फैला लिया है, ये इसलिए अच्छे से स्प्रेड हो जा रहा था। जैसे हम लोग चपाती बनाते हैं ना, उस तरह का इसको शेप दिया है। नीचे एक बोल ले लिया मैंने ताकि इसको शेप दे पाए। बेसिकली यहाँ पे मैं बहुत यूनिक सी एक बास्केट काइंड ऑफ कुछ बना रही हूँ, ठीक है। ये अच्छे से बिल्कुल ड्राई हो गया था एक दिन के बाद। अब चलिए इसके ऊपर की जो और नीचे की जो प्लास्टिक है उसको रिमूव कर देते हैं। तो धीरे धीरे करके निकालिएगा, मतलब ईजिली निकल जाएगी। थोड़ा सा ना पीछे साइड वाली थोड़ी इस तरह से खींच रही थी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी इशू की बात नहीं है। आप इजिली इसको निकाल लो इस तरह से धीरे धीरे करके। और थोड़ा सा ना आप अपने बास्केट की जो थिकनेस है वो थोड़ी सी मोटी रखिएगा, बहुत ज़्यादा पतली मत करिएगा जैसे मैंने रखा है। तो इसीलिए थोड़ी डो आप बड़ी मिक्स करके बनाइएगा और इस तरह से इसको अच्छे से रिमूव करके निकाल लेते हैं। ये बहुत ईजिली निकल जा रही थी, अंदर साइड वाली तो देखिए कितने आराम से निकल जा रही थी, कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। और ये प्लास्टिक इसीलिए यूज़ किया था ताकि इसमें इस तरह का पैटर्न बन जाए बिना किसी ताम झाम के, ठीक है। तो ये इजिली इस तरह का पैटर्न बन गया। अगर आपके पास बबल रैप नहीं है तो आप सिंपली इसको होल होल करके ऐसा पैटर्न बना लो, ठीक है। अब चलिए, यहाँ पे बॉटल लिया है मैंने इसके नीचे वाले स्टैंड के लिए, ऊपर से कट किया, फिर नीचे से ना मुझे बहुत ज़्यादा इसकी लंबाई लग रही थी तो मैंने नीचे से भी इसको काट के हटा दिया। अब यहाँ पे ना मोल्डेड क्ले का मैं यूज़ कर रही हूँ। टैल्कम पाउडर हमेशा लगाइएगा क्योंकि मोल्डेड क्ले जो है सरफेस पर बहुत ज़्यादा चपकती है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। बिना ग्लू के पानी से ही मैं इसको लगाऊंगी, ठीक है। तो मैंने इस तरह से स्प्रेड करके पूरा बड़ा सा एक चपाती की तरह बेल लिया था इसको। अब यहाँ पे थोड़े थोड़े बबल्स आ गए तो इसको आप इस तरह से रिमूव कर दो। तो पूरे को कवर करना है हमें, ठीक है, बेसिकली। तो अगर आप चाहो तो आपके पास अगर मोल्डेड क्ले नहीं है तो आप वॉल पुट्टी डो बना लो। मैंने ये जल्दी के लिए किया है क्योंकि मेरे पास मोल्डेड क्ले थी तो मैंने सोचा इससे जल्दी हो जाएगा। तो इससे स्मूथ करने के बाद मैंने कर लिया इसमें अच्छे से ना, थोड़ा सा वुडन काइंड ऑफ मुझे लुक देना है इसका। तो इस तरह से आप किसी भी चीज़ की हेल्प से ना ऐसे ऐसे थोड़ी सी डिटेलिंग ऐड कर लो। वुड इस तरह का वुड अगर आप डायरेक्ट पेंट करने जाओगे कि हाँ ठीक है वुडन की तरह थोड़ा लुक दे दे तो वो उतने अच्छे से पेंट नहीं होता है, तो टेक्सचर के बाद बहुत वुड वुड टाइप लगता है, तो ऐसा कर लो। अब यहाँ पे मैंने ना वो मेटालिक पाउडर्स जो होते हैं ना उसका मैंने सिल्वर वाला लिया है, उसमें जिसमें हम लोग वो मिक्स करते हैं मीडियम। तो इस तरह से मैं इसको पेंट किया, लेकिन बहुत ज़्यादा अब्जॉर्ब कर रहा था पेंट, तो ऐसा मत करिएगा। पहले एक बेस कोट ब्लैक का दीजिएगा। और ऐसे भी ना मैं हमेशा बोलती हूँ गोल्डन और इस तरह की जो भी चीज़ें आपको करना है ना सिल्वर काइंड ऑफ मेटालिक लुक देना है तो पहले आप नीचे में एक कोट ब्लैक का दे दीजिए, ठीक है। तो अब चलिए इस तरह से ये भी 31 घंटे के बाद, मतलब 30 मिनट और 1 घंटे के बाद ही अच्छे से ड्राई हो जाती है क्ले जो होती है। 30 मिनट पे तो ड्राई नहीं होती है, 30 मिनट पे ड्राई होना स्टार्ट होती है। तो ये भी हो गई थी ड्राई, तो इसको भी मैंने अच्छे से ब्लैक कम्प्लीटली पेंट किया। अब इसमें थोड़ा सा वुडन वाला लुक देना है, तो अभी मैंने 2 शेड का यूज़ किया, 1 पॉइंट अंबर है, 1 पॉइंट सिना है, ठीक है। 2 शेड आप यूज़ करो, ये डार्क ब्राउन आप ज़रूर रखना, ठीक है। ये जो लाइट ब्राउन है उससे बहुत कोई खास आपका वुड वाला लुक नहीं आएगा, थोड़ी लाइट वाले वुड का शेड आएगा, लेकिन जो डार्क वाला ब्राउन है 1 पॉइंट अंबर इससे बहुत अच्छा वुड का लुक आ जाता है। और जब आप एक बेस कोट ब्लैक करोगे ना वुड में तो बहुत अच्छा वो बिल्कुल एकदम ना सेम वुड की तरह लगता है। पता नहीं मेरा लगेगा कि नहीं लगेगा, बहुत ज़्यादा मैं बता रही हूँ भी। तो खैर चलिए, ये अच्छे से ब्लैक पेंट भी ड्राई हो गया था। अब इसके ऊपर मैंने सिल्वर करना स्टार्ट किया, ठीक है। तो वही वाला सिल्वर मैंने यूज़ किया यहाँ पे, जो पाउडर वाला आता है आपको किसी भी स्टेशनरी पे मिल जाएगा। लेकिन उसके बाद मुझे याद आया कि मेरे पास ना इस तरह का इनामल सिल्वर पेंट है जो कि नीचे से अच्छे से जम जाता है, तो उसको हमेशा मिक्स कर लीजिए। तो इसका मैंने यूज़ कर लिया, ठीक है। मैंने सोचा कि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और ये पेंट जो इनामल रहता है ना इसमें बहुत अच्छी शाइन भी रहती है और जल्दी ये ख़राब भी नहीं होता है। तो अगर आपको इनामल मिलता है तो आप वही यूज़ कर लो, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें पेंट लग रहा था तो वो जो मीडियम और वो सारा तामझाम करना आपको नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये अच्छे से कम्प्लीटली ड्राई हो गया। अब फेवी बॉन्ड की हेल्प से आपस में इन दोनों को अच्छे से मतलब चिपका देंगे, ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। तो चलिए, फेवी बॉन्ड कोई भी हार्ड ग्लू लीजिएगा और इस तरह से ये हो गया, चिपक गया, ये रहा इसका फाइनल लुक। तो मतलब मुझे तो ये काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा है। आप इसको अपने किचन में रखोगे, डाइनिंग टेबल पे रखोगे, काफ़ी ज़्यादा कूल लगेगा, स्लीक है बिल्कुल, बहुत ही अमेजिंग है। आपको कैसा लग रहा है वो मुझे आप कमेंट में बताओगे। और ये जो पैटर्न बन के निकला है ना ये बिल्कुल नहीं लग रहा है, मतलब आप मुझे कमेंट में बताओ कि ऊपर वाला पार्ट मैंने थोड़ा सा ना मेटल टाइप का रखने की कोशिश की और नीचे वाला वुड, तो वो जो मैंने मतलब मेरा जो पर्सपेक्टिव था वो आपको वैसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? ऊपर वाला पार्ट मेटल की तरह लग रहा है और नीचे वाला पार्ट वुड की तरह
लग रहा है या फिर नहीं लग रहा है वो ज़रूर जल्दी से कमेंट में बता दो। अब चलिए नेक्स्ट डी आई वाई बना रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने मोल्डेड क्ले का यूज़ किया है, तो मैं यहाँ पे कुछ सोच रही हूँ ना डियर शो पीस बनाऊँ, ठीक है। तो मेरी तो मतलब उतनी अच्छी कोई ये चीज़ है नहीं, अब मुझे नहीं पता, कुछ कुछ अजीब अजीब टाइप का, ये तो अभी तक ही मुझे डक के शेप का लग रहा है, ठीक है। तो इस तरह से बनाने के बाद ऊपर में थोड़ा सा मैं, लेकिन फिर भी मैं भर भर के डिटेलिंग ऐड करूँगी और कोशिश करूँगी कि उसकी तरह थोड़ा लुक दे दूँ। लेकिन ना मैं बहुत ज़्यादा उसकी तरह ना डियर की तरह एकदम जैसे डियर होते हैं ना वैसे बहुत अच्छा इवन सा लुक नहीं दे रही हूँ, थोड़ा सा होता है ना टेढ़े कुबड़े वाले डियर मतलब शो पीस में मैं कुछ उस तरह का लुक दे रही हूँ, ठीक है। तो इस तरह से चार पैर लगा दिया, पहले मैं एक स्ट्रक्चर बना ले रही हूँ ताकि अच्छे से ड्राई हो जाए, उसके बाद डिटेलिंग इसमें ऐड करेंगे। तो इस तरह से पूरी इसके साइड में सर से पीछे में भी डिटेलिंग ऐड करेंगे, हर तरफ डिटेलिंग ऐड कर दिया मैंने। अब इसको थोड़ा सा अच्छे से मतलब स्मूथ कर लेंगे जॉइंट वॉइंट वगैरह, ठीक है। अब चलिए इसी तरह से मैं मतलब तीन बनाऊंगी टोटल, तो दो एक तो मैंने पहले बना के दिखाया और दो मैं इस तरह का बना रही हूँ, ठीक है। तो ये जब ड्राई हो जाएगा तब उसके बाद की मैं डिटेलिंग इसमें ऐड कर रही हूँ, जो ऊपर का हेड वगैरह होता है वो सारा कुछ, ठीक है। तो आप थोड़ा सा पानी के हेल्प से इसको स्मूथ करते जाओगे तो बहुत ईजिली होते जाएगा। कान वान भी मैं ऐड कर रही हूँ, पहले तो इसके कान बहुत अजीब से लग रहे थे, फिर मैंने धीरे धीरे करके इसको कुछ बैलेंस किया, क्योंकि मैं इस तरह की चीज़ पहली बार बना रही हूँ और मतलब मेरा ये पहला एक्सपीरियंस होगा कि इस तरह का मैं डियर वेयर कुछ बना रही हूँ। और ना मैं एक बार बना रही थी कुछ, वो रैबिट बना रही थी, वो रैबिट के बजाय भालू ज़्यादा लग रहा था, तब से मैंने बनाना छोड़ दिया था कि इस तरह की चीज़ों को ट्राई नहीं करना है। लेकिन इस बार मैंने सोचा ना कि वो जो गंदे वाले रहते ना, मतलब गंदे वाले नहीं, थोड़े से मतलब यू नो कि उनका कुछ शेप वेप समझ नहीं आता, बस वो एक चार पैर कर दिया है और ऊपर में उनकी सिंग लगा दी है, उस तरह का मैं कुछ सोच रही थी, तो इसीलिए मैंने एक बार ट्राई कर लिया। लेकिन पता है मैंने बहुत ज़्यादा पतला इसको कर दिया था तो मुझे दिक्कत हुई। लेकिन अभी तक तो देखो आप लोग भी मुझे कमेंट में बताओ कि आपको ये थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि नहीं डियर की तरह। मैं कोशिश पूरी कर रही हूँ मतलब जहाँ तक मुझसे हो जाए। पहले तो इसके चारों पैर ऐसे ऐसे गिर जा रहे थे, लेकिन फिर मैंने कुछ कुछ करके उसको सेट किया। तो थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, और एक बार जब ये इसका ये सारा कुछ सेट हो जाएगा ना, तब उसके बाद आप थोड़ी थोड़ी लेयरिंग करके इसको कंप्लीट करो। अब यहाँ पे मैंने ले लिया वायर, मेरे पास ज्वेलरी वायर था गोल्डन कलर का, तो आप जी आई वायर भी ले सकते हो, आपके पास जो भी हो ना आप वो ले लो, क्योंकि इसको पेंट कर देना बाद में। लेकिन मैंने ये ही वाला ले लिया क्योंकि मुझे कुछ मिल नहीं रहा था। तो इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े में उसको कट किया, इसके ऊपर की जो वो रहती है ना सिंग रहती है वो बनाने के लिए। तो इस तरह से चलिए इसको अच्छे से ये कर लेते हैं। तो मैंने सोचा ज़्यादा तामझाम करने से बेहतर है कि एंटलर इससे ही बना लेते हैं वायर की हेल्प से। तो इसी तरह से इसको राउंड राउंड थोड़ा सा ट्विस्ट करके नीचे साइड से लगा रही हूँ मैं, और दो दो का ऐसे बना ले रही हूँ, ठीक है। वो कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे मैंने लिया स्टेंसिल, ठीक है। स्टेंसिल से मैं करने वाली उसमें डिज़ाइन, थोड़ा सा मुझे और डिज़ाइन ऐड करना था। मोल्डेड ले लिया, उसके ऊपर टैल्कम पाउडर अच्छे से अप्लाई करिए और इसको बेल के इस तरह से कर लीजिए। अभी आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बना रही हूँ। पीछे साइड से थोड़ा सा धीरे धीरे करके इसको रिमूव करिए, क्योंकि जो डिज़ाइन रहता है ना वो थोड़ा सा घुस जाता है पैटर्न, तो उसकी वजह से निकलता नहीं है थोड़ा, लेकिन निकल जाएगा ईजिली क्योंकि टैल्कम पाउडर लगाया था। अब इसको थोड़ा सा ना मतलब इस तरह से अच्छे से इवन कर लेंगे इसको, इसके एजेस को। और क्या करने वाले हैं इससे ना, वो जो बेसिकली होता क्या है ना, थोड़ा सा शाही टाइप मुझे दिखाना है। ऐसे तो ये घोड़ा होता है इस तरह का, लेकिन मैंने कुछ ऐसे ही सोचा कि डियर पे भी ऐसे चादर टाइप लगा देते हैं, इसको नहीं पता मुझे क्या बोलते हैं, तो थोड़ा सा इससे बहुत अच्छा सा लुक आ जाएगा। तो अलग अलग स्टेंसिल का मैंने यूज़ किया। अगर आपके पास स्टेंसिल नहीं है तो आप इस तरह से ना क्ले से बेल के और उस पर कुछ ऐसी डिटेलिंग ऐड कर लो, ऐसी मतलब किसी भी नुकीली चीज़ की हेल्प से कुछ कुछ बना दीजिए, लंबे लंबे ऐसे डॉट्स वगैरह कुछ भी कर दो, ठीक है। तो साइड में थोड़ा सा मैं स्टिचेस दिखाना चाह रही थी, तो इस तरह का कुछ मैं डिटेलिंग ऐड कर रही हूँ। आपके पास अगर इस तरह की चीज़ें नहीं है तो आप किसी भी पेन के निब से कर लो, ये मैं हमेशा बोलती हूँ। तो चलिए इस तरह से हो गया। तो तीनों का मैं अलग अलग इस तरह का लगा रही हूँ, ठीक है, तीनों में अलग अलग पैटर्न का। तो अच्छे से एजेस को बराबर करते हुए बस सिंपली इसको उड़ा देंगे तो ये अपने आप चिपक जाएगा, क्योंकि मोल्डेड क्ले ना कहीं पर भी आप रखो बिना टैल्कम पाउडर के वो चिपक ही जाता है। अब चलिए इसके एंटलर को अच्छे से सेट करके, इनके सिंग को बिल्कुल अच्छे से सेट करके लगाते हैं। तो ये ना मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी कि मैं कैसे लगाऊंगी, लेकिन फिर मैंने नीचे में एक मोल्डेड क्ले लगाया और उसको ही इस तरह से कुछ स्मूथ कर दिया, ठीक है। अब चलिए इसको पेंट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, रेजिन का जो माइका पाउडर आता है ना उसमें मीडियम को मिक्स किया और इससे इतना प्रीमियम कलर बना, आप ही देखो, मतलब बिल्कुल इस पर लिखा हुआ था रिच गोल्ड, ठीक है। ये मैंने एपॉक्सी आर्ट इंडिया से लिया था, तो रिच गोल्ड बिल्कुल लिखा हुआ था इस पर, और ये सीरियसली रिच गोल्ड जैसी मतलब
अच्छा सा लुक भी दे रहा था, आप ही देखो बहुत एंटिक लग रहा था। तो मैंने ना पहले सोचा था कि इसकी जो मैंने चादर और वो बनाई है ना उस पर मैं दूसरा कलर करूँगी, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं नहीं इतना ही ठीक है, ज़्यादा तामझाम करने से बिगड़ भी सकता है, काफ़ी ज़्यादा कूल लग रहा है। तो ये रहा इसका फाइनल लुक, तो बहुत प्यारा सा शो पीस बन के रेडी हुआ है। आपको कैसा लग रहा है आप मुझे कमेंट में जल्दी से बता दीजिए, क्योंकि आप लोग कमेंट करके मुझे बताते नहीं है। तो दोनों में से आपका फेवरेट DIY कौन सा है वो भी मुझे बता दीजिए। मेरा तो फेवरेट DIY यही वाला है, डियर शो पीस, मतलब मुझे क्योंकि इससे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कुछ बन पाएगा, मुझे बहुत ख़राब सा लग रहा था, किसी का मतलब फेस जो है वो बकरी की तरह बन रहा था, किसी का फेस घोड़े की तरह, किसी का फेस डियर की तरह, तो मैं थोड़ा कन्फ्यूज़ थी, लेकिन मतलब इवेंचुअली लुक अच्छा आ गया तो इसलिए मैं सेटिस्फाइड हूँ। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, बाकी वो लाइक शेयर फॉलो कमेंट सब्सक्राइब उसके बारे में कुछ भी नहीं बोलूँ, आपको जैसा ठीक लगे करके जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।